हाय फ्रेंड्स, ब्यूटी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे प्लेन और प्रिंटेड फैब्रिक लिया है। प्रिंटेड फैब्रिक हमने 1 मीटर लिया है और प्लेन फैब्रिक हमने 1/2 मीटर लिया है। तो चलिए इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो ये देखिए, हमने इस तरह का स्क्वायर फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ हमने ली है 15 इंचिस और इसकी चौड़ाई हमने लिया है 18 इंचिस। इसे हम 2 फोल्ड करेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने 2 फोल्ड किया है और एक बार फोल्ड करेंगे। इस तरह फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया है। अब हम फ्रॉक का टॉप पार्ट कट करेंगे। इस तरह 4 फोल्ड करने के बाद इस तरह के 4 लेयर आएंगे। अब हम टॉप पार्ट की लेंथ लेंगे। टॉप पार्ट की लेंथ हमने लिया है 9 इंचिस। शोल्डर की चौड़ाई हमने लिया है 5 इंचिस। यहाँ से आर्म होल की लेंथ हम लेंगे 5 इंचिस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। चेस्ट की चौड़ाई हमने ली है 7.5 इंचिस और कमर की चौड़ाई हमने लिया है 6.5 इंचिस। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करेंगे। आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए ड्रॉ कर लेंगे और इसे हम कट करेंगे। ऊपर की तरफ फोल्डिंग है, इसे भी हम कट कर लेंगे। इस तरह टॉप का दोनों पार्ट हमने कट कर लिया है। ये पार्ट हमने राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हमें इस पार्ट को उल्टा रखना है। अब हम शोल्डर के सेंटर में मार्क करेंगे। सेंटर मार्क से नीचे हमें नेक की लेंथ लेनी है 4 इंचिस। सेंटर मार्क के दोनों तरफ हमें 2-2 इंच पे मार्क करना है। ये हमारी नेक की चौड़ाई होगी। अब इस तरफ से हमें आर्म होल तक इस तरह का शेप देते हुए ड्रॉ करना है। ड्रॉ हो जाने के बाद इसे हम कट कर लेंगे। तो इस तरह हमने फ्रंट और बैक पार्ट, टॉप का बैक और फ्रंट पार्ट कट कर लिया है। अब फ्रंट पार्ट के आर्म होल में हल्का सा राउंड शेप देते हुए कट करेंगे। अब इसी नाप की लाइनिंग फैब्रिक भी हम कट कर लेंगे। अब हम बॉटम पार्ट कट करेंगे। बॉटम पार्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 लेयर लिए हैं और लाइनिंग के भी 2 लेयर हमने लिए हैं। बॉटम पार्ट की लेंथ हम लेंगे 15 इंचिस और इसकी चौड़ाई हम लेंगे 25 इंचिस। इसकी चौड़ाई भी हमने 25 इंचिस लिया है और इसकी लेंथ 13 इंचिस। बॉटम पार्ट की लेंथ हमारी 15 इंचिस है और लाइनिंग की लेंथ हमने 13 इंचिस लिया है। 2 इंचिस कम हमने रखा है लाइनिंग फैब्रिक का लेंथ। अब यहाँ पे मैंने टॉप पार्ट को राइट साइड रखा है, इसके ऊपर हम लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे। दोनों पार्ट के ऊपर इस तरह लाइनिंग फैब्रिक को रखना है और आर्म होल नेक पे और इस पार्ट पे भी हमें आर्म होल और नेक पे सिलाई लगानी है। दोनों पार्ट में हमने आर्म होल और नेक पे सिलाई लगा दी है। अब हल्के हल्के नोचेस लगाएंगे।
अब दोनों पार्ट को इस तरह राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों पार्ट को इस तरह राइट साइड टर्न कर लिया है। अब नीचे के दोनों लेयर को सिरे लगा के अटैच कर लेंगे। अब दोनों पार्ट को मिलाते हुए हम शोल्डर अटैच करेंगे। तो यहाँ पे मैंने शोल्डर अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। दोनों पार्ट के अच्छे से रखेंगे और इसकी लेंथ हम लेंगे 9 इंचेस से और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए 10 इंचेस हम स्ट्रिप की लेंथ लेंगे। यहाँ पे मैंने स्ट्रिप के लिए इस तरह का फैब्रिक लिया है जिसकी लेंथ है 10 इंचेस और चौड़ाई है 5 इंचेस। इसे इस तरह उल्टा हमें फोल्ड करना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। तो इस तरह हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न कर लेंगे। इस तरह स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब दोनों टॉप पार्ट के नेक के सेंटर में हम मार्क करेंगे। नेक के सेंटर में मार्क करने के बाद यहाँ से यहाँ हमें नेक की चौड़ाई लेनी है 2 इंचेस। दोनों तरफ सेंटर मार्क से इस तरफ 2 इंच पे मार्क करना है। अब यहाँ पे हम स्ट्रिप अटैच करेंगे। सिलाई लगा के इस स्ट्रिप को फिक्स कर लेंगे। दोनों टॉप पार्ट के साथ हमने स्ट्रिप अटैच कर ली है। अब हम बॉटम पार्ट रेडी करेंगे। बॉटम पार्ट के दोनों लेयर हैं, इसके ऊपर हमने लाइनिंग फैब्रिक को रखा है। लाइनिंग फैब्रिक की लेंथ हमने 2 इंचेस थोड़ी कम रखी है। अब लाइनिंग फैब्रिक के इस बॉर्डर को मेन फैब्रिक के नीचे के बॉर्डर के साथ मिलाना है और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगानी है। इसी तरह दूसरे लेयर पे भी हमें लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मिलाना है। यहाँ पे इस तरह दोनों बॉर्डर को मिलाएंगे और सिलाई लगाएंगे। तो दोनों पार्ट में हमने सिलाई लगा दी है नीचे के बॉर्डर पे। अब इस लाइनिंग फैब्रिक को रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। दोनों तरफ का लेयर के लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह रॉन्ग साइड टर्न कर लेंगे। अब इस लाइनिंग फैब्रिक के बॉर्डर को ऊपर के बॉर्डर के साथ मिलाना है। दोनों बॉर्डर को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ से यहाँ तक बड़े नंबर वाली हमें सिलाई लगानी है। दोनों लेयर पे हमें इस तरह बड़े नंबर वाली सिलाई लगानी है। अब सिलाई हो जाने के बाद यहाँ से हमें एक धागे को अलग करके खींचना है। इस तरह खींच के हमें गैदरिंग बनानी है।
बॉटम पार्ट की गैदरिंग हमें टॉप पार्ट की चौड़ाई के अकॉर्डिंग बनानी है। तो ये हमारा टॉप पार्ट की बॉर्डर, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग हमें इसकी गैदरिंग बनानी है। इस लेयर पे भी हमें गैदरिंग बनानी है। दोनों पार्ट में हमने ऊपर की तरफ गैदरिंग बना ली है। अब इसे हम टॉप पार्ट के साथ अटैच करेंगे, लेकिन इसके पहले हम फ्रंट पार्ट के कमर के बॉर्डर में हमें स्ट्रिप अटैच करनी है। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 4 इंचिस और लेंथ 18 इंचिस। टॉप पार्ट के कमर के लेंथ के अकॉर्डिंग हमें स्ट्रिप रखनी है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। यहाँ से यहाँ तक रखेंगे और एक्स्ट्रा स्ट्रिप है इसे कट कर लेंगे। नीचे की तरफ हमें सिलाई लगानी है, ऊपर हमें सिलाई नहीं लगानी। सिलाई हो जाने के बाद टॉप पार्ट को इस तरह टॉप पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और सिलाई लगा के अटैच कर लेंगे। इसी तरह बैक पार्ट को भी अटैच कर लेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट हमने टॉप बॉटम को अटैच कर लिया है। अब हम बेल्ट बनाएंगे। बेल्ट के लिए हमने यहाँ पे इस तरह के 2 स्ट्रिप ली है जिसकी लेंथ है 16 इंचिस, चौड़ाई हमने 4 इंचिस लिया है। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है दोनों स्ट्रिप ने। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है दोनों स्ट्रिप ने। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे पेन लिया है। पेन की मदद से हमें इसे राइट साइड टर्न करना है। इसी तरह दूसरी स्ट्रिप को भी राइट साइड टर्न कर लेंगे। दोनों स्ट्रिप को हमने राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे हम फ्रॉक के साथ अटैच करेंगे बैक पार्ट में। टॉप बॉटम के जॉइनिंग पे हमें इसे अटैच करना है। इस स्ट्रिप को अटैच करने के बाद फ्रंट पार्ट को बैक पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है। दोनों लेयर को अच्छे से मिलाएंगे और दोनों तरफ 1 इंच का मार्जिन रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दोनों तरफ हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। फ्रॉक का ये बैक पार्ट है। अब इसे राइट साइड टर्न करेंगे और ये है फ्रॉक का फ्रंट पार्ट। अब यहाँ पे हम वो स्ट्रिप अटैच करेंगे। स्ट्रिप के लिए हमने यहाँ पे इस तरह का पीस लिया है जिसकी चौड़ाई है 6 इंचिस और लेंथ हमने लिया है 21 इंचिस। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे और यहाँ से क्रॉस में हमें कट लगाना है। कट हो जाने के बाद यहाँ से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगानी है। सिलाई लगा दी है। अब इसे हम राइट साइड टर्न करेंगे। इस स्ट्रिप को भी हम पेन की मदद से राइट साइड टर्न कर लेंगे।
इस तरह हमने स्ट्रिप को राइट साइड टर्न कर लिया है। अब इसे हम वन साइड शोल्डर पे अटैच करेंगे। यहाँ पे सिलाई लगा के अटैच करेंगे। उसके बाद इसे इस तरह फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद और एक बार यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और इसे और एक बार फोल्ड करेंगे। अब इसके ऊपर हम फ्लावर अटैच करेंगे। फ्लावर हम फैब्रिक में से बनाएंगे। इसके लिए हमने यहाँ पे इस तरह की स्ट्रिप ली है जिसकी चौड़ाई है 4 इंचेस और लेंथ हमने लिया है 25 इंचेस। इसे इस तरह टू फोल्ड करेंगे। और यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से एक धागे को अलग करके इस तरह खींचेंगे। इस तरह धागे को खींच के गैदरिंग बनाएंगे। गैदरिंग हो जाने के बाद हमें इसे इस तरह राउंड में इस स्ट्रिप को इस तरह राउंड में करके यहाँ पे सिलाई लगा के फिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे हमने इस फ्लावर को अटैच कर लिया है। तो इसी के साथ यह डिज़ाइनर फ्रॉक हमारा रेडी हो चुका है 4-3 ईयर बेबी के लिए। यदि यह डिज़ाइन आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का भी जरूर क्लिक करेगा ताकि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।